नमस्कार। कक्षा 9वीं हिंदी में आज हम व्याकरण में पढ़ेंगे तत्सम शब्द और पर्यायवाची शब्दों के बारे में। तत्पुरुष शब्द है वे शब्द जो आगे आते हैं लेकिन संस्कृत से हो, उसमें संस्कृत का थोड़ा सा मात्रा जुड़ा हो, जैसे कि अपभ्रंश होता है, संशोधित तथा परिवर्तित होकर आए हो और उनका रूप बहुत ही बदल जाता है, जिसे हम तत्पुरुष शब्द कहते हैं। तत्पुरुष शब्द का अर्थ होता है उससे उत्पन्न अर्थात संस्कृत से उत्पन्न होने वाले शब्द। कर्म से प्राकृत में कर्म हुआ और हिंदी में काम बन गया, मातु से मामा हो गया, सर्प से सांप आदि शब्द बदल जाता है, अर्थ बदल जाता है। जैसे अमृत दिया है तो तत्पुरुष शब्द हो जाएगा अमी है, फिर तत्सम शब्द में अर्ध दिया है अगर तो आधा, क्या हो जाएगा आधा, अर्ध का आधा। फिर है गर्भिणी, गर्भिणी का ग्याभन, एकादश का ग्यारह, संस्कृत में एकादश आता है ना, उसको तत्पुरुष शब्द क्या हो जाएगा ग्यारह। क्षत्रिय, खत्री, चीर, खीर, चित्रकार का चितेरा, गोस्वामी का गोसाई, फिर अगम्य का अगम, क्षण का छिन्न, क्षण का छिन्न, क्षण पल भी होता है और चिन्ह भी, चिन्ह का भी अर्थ पल होता है। ज्येष्ठ, जेठ, तृण, तीन का अंगुष्ठ, अंगूठा, हाँ जैसे हाथ का अंगूठा, कास्ट, काट, कठवा, लकड़ी, ग्रह, घर, अनार, अनाड़ी, फिर कपाट, किवाड़, चंद्र का चांद, गृद्ध का गिद्ध आ जाए, अर्घ का आप, गंभीर, गहरा, अर्थ का आज, कुंभकार, कुम्हार, कुकुरकार, कुत्ता, कृत माने घी, कुआं, क्षेत्र का खेत, ताम्र का तांबा, फिर इक्षु, ई यानी गन्ना होता है, गर्जनी, गरज, अभी हमने तत्पुरुष शब्द के बारे में पढ़ा कि कैसे उनका संस्कृत शब्द जुड़कर बदल जाते हैं तत्सम शब्दों में। अब हम देखेंगे पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। पर्यायवाची शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो समान अर्थ को प्रकट करते हैं और कतिपय पर्यायवाची शब्दों के उदाहरण जैसे नीचे देकर हम समझा रहे हैं, जैसे कि पक्षी, पक्षी का पर्यायवाची है कग, विहग, विहंग, चिड़िया, पतंग, परिंदा, पखेरू, कितने सारे शब्द बने ये पक्षी के, कग, चिड़िया, पतंग, परिंदा, पखेरू। फिर पर्वत, भूधर, पहाड़, नग, गिरी, महीधर, तुम आदि पर्वत शब्द में कितने सारे शब्दों का अर्थ प्रकट कर रहा पर्वत शब्द। फिर है मेघ, बादल, अम्बुद, पयोद, पयोदर, जलधर, बारिद, नीरद। समुद्र का क्या हो जाएगा पर्यायवाची सागर, रत्नाकर, बारिश, जलधि, नीरवि, सिंधु, नदीश। आकाश का गगन, अंबर, नभ, आसमान, अंतरिक्ष, व्योम और दिव्य। फिर असुर, दानव दल, दैत्य, राक्षस, निश्चर, धनुज, निशाचर, वजनीचर आदि। अग्नि में आ जाएगा पर्यायवाची शब्द क्या आएगा आग, वाचक अनल, दहन, जलन, वैश्वानर, वायु, सुख आदि। अश्व का घोड़ा, तुरंग, बाजी, घोटक। आनंद का
मोद। तो आनंद का क्या बताया हमने, मोद प्रमोद उल्लास प्रसन्नता हर्ष आदि शब्द पर्यायवाची शब्द बन जाते हैं, आनंद के कई अर्थ प्रकट करने वाले शब्द होते हैं। फिर कपड़ा का वस्त्र वसन अंबर चीर पट, चंद्र का चंद्रमा चांद हिमांशु सुधाकर राकेश शशि निशाकर मयंक निशापति सोम रगाम कला निधि आदि। यमुना, यमुना नदी का नाम है, यमुना के नाम से क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर्यायवाची, सूर्य तनया अर्थ जा कृष्णा रवि सुता कालिंदी रवि नंदिनी। फिर देवता, देवता में अमर देव सुर निर्जर विभूष अर्जरा आदि शब्द पर्यायवाची शब्द है जो आपको परीक्षा में आ सकते हैं। बच्चों आपको कॉपी में लिखना है और अच्छे से पढ़कर याद करना।